हेलो एवरीवन, आज की एक और न्यू वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो आज की इस एक और न्यू वीडियो में मैं आप लोग को इन दोनों मोबाइल के बीच में फुल कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूं और एंड में आप लोग को बताऊंगा कि इन दोनों मोबाइल में से किस मोबाइल को आपको बाय करना चाहिए और आपके लिए कौन सा मोबाइल बेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले स्पेसिफिकेशन के साथ, जो कि है कैमराज। तो कैमराज के बारे में बात करें तो गैलेक्सी S23 अल्ट्रा में आपको 4 कैमराज देखने को मिलेंगे और iPhone 14 Pro Plus में आपको 3 कैमराज देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें S23 अल्ट्रा आगे है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन के बारे में, जो कि डिस्प्ले के बारे में बात करें तो 6.8 इंचेस आपको देखने को मिलेगी गैलेक्सी S23 अल्ट्रा में और 6.7 इंचेस देखने को मिलेगी iPhone 14 Pro Plus में। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। अब चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन के बारे में, जो कि है परफॉर्मेंस। प्रोसेसर के बारे में बात करें तो आपको गैलेक्सी S23 अल्ट्रा में स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 देखने को मिलेगा, जो कि पावरफुल है, और iPhone 14 Pro Plus में आपको A16 बायोनिक चिप देखने को मिलेगा। इस मामले में भी सैमसंग मोबाइल आगे है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन के बारे में, जो कि रैम। रैम के बारे में बात करें तो आपको सैमसंग के स्मार्टफोन में 8GB रैम देखने को मिल जाएगी स्टार्टिंग से, और आईफोन में बात करें तो 6GB रैम है स्टार्टिंग की। तो इसमें भी गैलेक्सी आगे है और अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला है आईफोन के टक्कर में। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन स्टोरेज के बारे में। तो स्टोरेज में बात करें तो आप लोग को स्टार्टिंग स्टोरेज देखने को मिलेगा सैमसंग के स्मार्ट मोड में 256, जो कि बहुत अच्छी है, और आईफोन में आपको इसका आधा देखने को मिल जाएगा 128GB, ठीक है। तो इसमें भी सैमसंग आगे है। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन नेटवर्क्स के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्मार्टफोन के लिए। इसमें दोनों ही मोबाइल आपको सेम नेटवर्क के देखने को मिल जाएंगे, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों ही मोबाइल एक दूसरे के टक्कर के और इक्वली दोनों को सपोर्ट करते हैं इक्वल नेटवर्क्स, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में। तो इस मामले में भी सैमसंग का स्मार्टफोन आगे है, क्योंकि बस इसी स्मार्टफोन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा और आईफोन के स्मार्टफोन में नहीं दिखेगा। अब चलिए बात करते हैं हाइट के बारे में। तो गैलेक्सी S20 अल्ट्रा में आपको 163.4mm की हाइट देखने को मिलेगी और आईफोन में 160.7mm की हाइट देखने को मिलेगी, जो कि कम है गैलेक्सी के स्मार्टफोन से, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं विड्थ के बारे में, चौड़ाई के बारे में। तो इसमें भी आप लोग देख सकते हो कि ज़्यादा चौड़ाई है गैलेक्सी S23 अल्ट्रा में आईफोन 14 प्रो मैक्स के कंपैरिजन में। तो इसमें भी थोड़ा सा आगे है सैमसंग का गैलेक्सी। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ के बारे में, जो कि है थिकनेस। ये भी चौड़ाई, मतलब कि कितना मोटा स्मार्टफोन है इसमें बात करते हैं। इसमें सैमसंग का गैलेक्सी थोड़ा पीछे रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा मोटा है, जो कि ख़राब बात है, और आईफोन थोड़ा पतला है, तो ये अच्छी बात है, इसलिए इसमें आईफोन का स्मार्टफोन आगे रहेगा। अब चलिए बात कर लेते हैं वेट के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर एक मोबाइल की। तो इसमें आप लोग को आईफोन 14 प्रो मैक्स थोड़ा सा भारी देखने को मिलेगा, ये 240 ग्राम्स का है और गैलेक्सी 234। अब चलिए बात करते हैं प्राइस। इंडिया में सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा का प्राइस है 1,25,000 और आईफोन 14 प्रो मैक्स का प्राइस है 1,28,000। तो इसमें थोड़ा सा महंगा रहेगा आईफोन का स्मार्टफोन। अब फाइनली चलिए बात करते हैं कि इन दोनों मोबाइल में से कौन सा मोबाइल आप लोगों के लिए एकदम बेस्ट है, आपको इन दोनों मोबाइल में से किस मोबाइल को ख़रीदना चाहिए, बाय करना चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूँ तो आपको सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा ही ख़रीदना चाहिए, क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा कि अधिकतर मामले में आईफोन 14 प्रो मैक्स से आगे रहा है और इसका परफॉर्मेंस भी इससे बढ़िया है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपको गैलेक्सी का S23 अल्ट्रा ही ख़रीदना चाहिए, आगे आपकी मर्जी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद, जय भारत। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Love you all.